मुंबई कोलकाता से लेकर पटना तक घपले और घोटालों को लेकर एक्शन। लेकिन इस बीच में मुंबई में संजय राउत के बाद उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी ईडी सवाल कर रहे हैं। तो कोलकाता में टीचर भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के जेल जाने के बाद भी ईडी की टीम लगातार एक्शन में है। वहीं पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी आरोपों के घेरे में है। उन पर 12 साल में बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव लगातार उन पर हमला बोलते रहे थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा या उसके बाद जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए तब कहा जा रहा था कि प्रदेश में एक आरसीपी टैक्स वसूला जाता है। अब आरसीपी सिंह खुद सवालों के घेरे में है और उनको भी एक नोटिस पहुंच गया। तो मुंबई में वर्षा राव से पूछताछ हो रही है क्योंकि आरोप लगे हैं और ईडी का ये दावा है, ईडी के आरोप है कि 1.6 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, जमीनें खरीदी गई और जो पैसा ट्रांसफर हुआ उसमें वर्षा राउत का अकाउंट का भी इस्तेमाल था, उसमें भी पैसा आया। जो जमीनें खरीदी गई प्रवीण ने पैसा दिया और इसके साथ साथ संजय राउत को भी कैश दिया जा रहा था हर महीने, तो ये भी आरोप है। बहरहाल अभी ईडी के सवालों का अब सामना हो रहा है। संजय राउत तो ईडी की जो है गिरफ्त में है ही, 8 तारीख तक वो ईडी की कस्टडी में रहने वाले हैं और अभी पात्राचाल घोटाला मामले में उनकी पत्नी वर्षा राउत से भी पूछताछ। इसी खबर पर हमारे संवाददाता देव कोटक और मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव कोटक, सबसे पहले आपके पास वर्षा राउत से ईडी क्या करेगी आज पूछताछ? जी, जैसे कि आपको पता ही है कि वो वर्षा राउत को यहाँ आके तकरीबन 45 मिनट के आसपास हो गया है। उनका यही इरादा है कि वर्षा राउत को अपने पति संजय राउत के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाए ताकि उन्हें उतना समय ना मिल पाए कि दोनों के जो स्टेटमेंट से उनको मैच करने में, इसीलिए अगर कोई झूठ भी बोल रहा है या किसी किस्म का घफला भी किया है और उस बात का खुलासा नहीं करना चाह रहा है तो उस बात का समय ना मिले, यही मेन इरादा है उनका। इसीलिए उनको आमने सामने बिठाया जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया वो यहाँ आ चुकी है और 1 करोड़ से ज्यादा कैश उनके अकाउंट में भी क्रेडिटेड एंट्री में पाया गया था, जिसका साफ तौर पर बयान संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत ने भी मीडिया को कुछ समय पहले ही दिया है। कहा है कि काफी लोगों के घर पे काफी करोड़ों रुपए पाए जाते हैं लेकिन इस एंट्री जिसकी हम जस्टिफिकेशन दे चुके हैं, लोगों को बता भी चुके हैं, इसका हिसाब दे चुके हैं, फिर भी हमें परेशान किया जा रहा है। तो उसी कारण से जो वर्षा राउत ने रिसीव किया है और उनके अकाउंट में क्रेडिट हुए 1.8 करोड़ के तकरीबन, ये जो है उन्हें एक पार्ट बेनिफिशियरी के तौर पे कहा गया। इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस बात का डाउट था और वो पूरी तरह कन्विंस नहीं थे। जब उनके घर पे रेड भी हुई थी तभी भी हल्की सी पूछताछ हुई थी, लेकिन वर्षा राउत का नाम जैसे जैसे खुलासा होते गया सामने आता गया और संजय राउत क्योंकि साफ तौर पर कुछ चीज़ों का जवाब अभी भी नहीं दे रहे ईडी की हिरासत में होने के बावजूद भी और एक्सटेंडेड कस्टडी मिली उसके बावजूद भी, इसीलिए उन्होंने सही समझा कि उनकी जो वाइफ है श्रीमती मिसेज वर्षा राउत, इसीलिए उन्हें भी आज समन किया गया है, वो यहाँ पर मौजूद है और हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि कुछ घंटे तो तकरीबन ये पूछताछ ज़रूर चलेगी जब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अपने जो जवाब चाहिए वो पूरी तरह से मिल नहीं जाते। ये उनका नाम एज अ को बेनिफिशियरी और एज अ को अक्यूज तो नहीं जोड़ा गया लेकिन को बेनिफिशियरी जरूर जोड़ा गया है क्योंकि उन्होंने वो पैसे रिसीव किए हैं। ये जो पत्राचौल घोटाला मामला है तकरीबन 1200 करोड़ का, तो उसी में आ रहे हैं और इस तरह की डिटेल्स हमारे सामने आ रही है और जैसे जैसे सूचना आती जाएगी लाइव विजुअल्स और अपडेट्स के साथ हम लाते रहेंगे। बिल्कुल देव, आपके पास लौटना, मुनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मुनीश, क्या वजह लगती है कि संजय राउत पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी का? वो अभी गिरफ्त में भी है लेकिन उसके बाद भी बताया जा रहा है कि सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए राजीव, यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आखिरकार संजय राउत ईडी के शिकंजे में क्यों है और आखिरकार वर्षा राउत उनकी पत्नी को क्यों बुलाया गया है। देखिए, अगर इसमें इस पूरे मामले की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन है। सबसे पहला साल 2009-10 में होता है जब प्रवीण राउत, जिनको संजय राउत अपना दोस्त बनाते हैं लेकिन इस पूरे पत्राचाल का मुख्य आरोपी है, प्रवीण राउत ने 2009-10 में 55 लाख रुपए का एक लोन वर्षा राउत को दिया था। उसके बाद साल 2010-11 में 27,50,000 रुपए का निवेश संजय राउत और वर्षा राउत करते हैं लेकिन इसके एवज में 37,50,000 रुपए का मुनाफा
प्रवीण राउत, संजय राउत और वर्षा राउत को एक महीने में देते हैं। ईडी वालों को शक है कि आप 27 लाख का निवेश करिए और एक महीने के अंदर 27 लाख रुपए प्लस आपको 37 लाख रुपए का मुनाफा कौन सा शख्स या कौन सी कंपनी दे सकती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है और सबसे चौंकाने वाला यह है कि जो वर्षा राउत है उन्होंने 5,625 रुपए का एक निवेश किया, एक कंपनी थी प्रवीण राउत से जुड़ी हुई और कुछ ही समय में 5,625 रुपए के एवज में 13,95,000 रुपए दिए गए, तो 1,06,00,000 रुपए का जो फायदा पहुंचा है वर्षा राउत को। ठीक है मनीष, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। देव, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।